नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। मनीष कुमार के द्वारा कराया गया केतार माँ चतुर्भुज के दरबार में भंडारा। दुर्गा पूजा एवं नवरात्रि के शुभ अवसर पर केतार माँ चतुर्भुजी के दरबार में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी मनीष कुमार के द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया। इस भंडारे के कार्यक्रम में प्रखंड एवं और दूसरे प्रखंड के भी सैकड़ों श्रद्धालु प्रसाद खाकर मनीष कुमार को कोटि कोटि धन्यवाद दिए एवं मंदिर के पुजारी में भी इस भंडारे को कार्यक्रम को लेकर खुशी एवं हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। इस मौके पर पूरे मंदिर कमेटी के सदस्य ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना करते हुए बताया कि इस तरह का कार्यक्रम करना एक भक्ति में डूबे एवं भक्ति का सच्चा अर्थ समझने वाला इंसान ही कर सकता है। पूरे मंदिर कमेटी के सदस्य की ओर से मनीष कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया गया। इस कार्यक्रम में मनीष कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भंडारे के प्रसाद खाकर दरबार में पूजा अर्चना कर माता रानी से भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के साथ साथ केतार प्रखंड के सैकड़ों श्रद्धालु एवं छात्र युवा किसान मोर्चा के दिनेश कुमार गुप्ता, पंकज कुमार गुप्ता, अखिलेश कुमार यादव, उमेश कुमार यादव, संदीप कुमार कश्यप, अमित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, राजेंद्र साहू, दया प्रसाद गुप्ता, अशोक राम, सरफराज अंसारी, हाफिज अंसारी, साबिर अंसारी, कमख्या सिंह, मनोज सिंह एवं अनेकों सदस्यगण उपस्थित थे। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी मनीष कुमार के द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान जोरदार क्षेत्र में मिलन समारोह का कार्यक्रम देखा गया। दशहरा पूजा के बाद भी मनीष कुमार ने कल प्रखंड के झगरा खाड़ गांव में रामलीला में शामिल होकर वहां के ग्रामीण जनता के हर्षोल्लास को बढ़ाया। पूरे झगरा खाड़ ग्रामीण जनता में खुशहाली का माहौल देखा गया। ग्रामीण जनता ने मनीष कुमार को फूल माला से जयकारी के साथ स्वागत किया। मनीष कुमार ने खरौंदी प्रखंड के झूरी बांध गांव में भी पहुंचकर वहां चल रहे ग्रामीण जनता के द्वारा रामायण कार्यक्रम का समापन किया। इसको लेकर वहां के झूरी बांध में ग्रामीणों ने काफी हर्षोल्लास का माहौल था। इस मौके पर सभी ग्रामीण जनता ने मनीष कुमार को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हुए उन लोगों के बीच में उपस्थित होना एक बहुत ही खुशी का माहौल बनने के समान था। पूजा कमेटी के अध्यक्ष महोदय एवं पूरे पूजा कमेटी के सदस्य ने बतौर मुख्य अतिथि मनीष कुमार के साथ साथ उनके सहयोगियों को भी गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए भावी प्रत्याशी मनीष कुमार ने बताया कि यहाँ पे कार्यक्रम को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इतने लोग हमारे पिछड़े होने के बावजूद भी यहाँ पे बिल्कुल इन लोगों को पूजा पाठ करने की कोई समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। फिर भी हमारे गांव के ये हमारे जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, इतना तमाम भाई जन सैलाब में उमड़ करके इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि ये मान लो माँ दुर्गे के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ कि माता रानी इन लोगों को उज्ज्वल भविष्य के लिए हमेशा कृपा बनाए रखे, ताकि हमारा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी माताओं एवं बहनों नौजवान के चेहरा पर चेहरा हमेशा मुस्कुराता नजर आए। मनीष जी, लगातार क्षेत्र में आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, एक दूसरे गांव में भी जा करके लोगों के दुख और सुख में भी सहयोगी बन रहे हैं, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है आपका? मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं जब जब जहां जहां क्षेत्र में मैं जाता हूं, मैं घूमता हूं, और जितना अच्छा इस माँ दुर्गे के नवरात्रि के टाइम अभी ये कार्यक्रम जो हो रहा है, मैं सारे जगह पे जा करके देखता हूँ। इतने बड़े प्रेम के साथ सारे गांव में एकता का माहौल बना हुआ है। और माँ दुर्गे से भी मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ये भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के माताओं एवं बहनों नौजवानों के चेहरा पे हमेशा मुस्कुराहट आए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। लेकिन इस कार्यक्रम के तहत से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे यह संदेश आज जनता के बीच में देने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं इस संदेश के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ इस मैसेज के माध्यम से कि मैं घर घर मैं चाहता हूँ कभी जो नवरात्रि का कार्यक्रम जो चल रहा है, हम लोग इसमें माँ दुर्गे का भी शक्ति के जो प्रतीक है, माँ सरस्वती जो विद्या के प्रतीक है, माँ लक्ष्मी भी है, तो मैं चाहता हूँ कि माँ सरस्वती के मूर्ति जी के पूजा करने के साथ साथ इनका वास्तविक रूप को लोग पहचाने और माँ सरस्वती के घर घर में वास करने की जरूरत है। आज हमारी माँ सरस्वती की अगर बात किया जाए तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, मैं नहीं बात में खुल करके बोल पाता हूँ कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे धरती के कोने कोने में या नौ प्रखंड में माँ सरस्वती वास करती है। तो मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र का तभी विकास होगा जब शिक्षा का हम विकास करें, माँ सरस्वती के असली रूप को समझे, माँ सरस्वती को घर घर में वास करें। और पुनः आप लोग सभी के सामने मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी समाज का घर हो, पंचायत हो, कोई भी हो, इस माता रानी दुर्गे के चरणों में पुनः मैं आप लोगों के बीच में बात बताना चाहता हूँ कि शिक्षा से ही विकास संभव है और शिक्षा का हम लोगों को कदर करना होगा और माँ सरस्वती के असली रूप को समझना होगा। इस मौके पर छात्र युवा किसान मोर्चा के संदीप कुमार कश्यप, सत्येंद्र सिंह, धर्मेंद्र राम,
अमित कुमार, अजय कुमार गुप्ता एवं सैकड़ों ग्रामीण जनता उपस्थित थे। धन्यवाद।